सो गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। जैसे कि अभी सुबह के 9 बज चुके हैं और अभी गाइज मैं निकला हूँ बरसवा के लिए और आपका गाइज कमेंट आ रहा था जो आप ये राजा मुंडा से जो कोयडा की रोड बनी है वो रोड आप अपने वीडियो में दिखाएं। तो गाइज मैं राउकला से निकला था 8 बजे सुबह और अभी 9 बज रही है, मैं राजा मुंडा पहुँच चुका हूँ और आप मेरे वीडियो में बने रहे। मैं आपको दिखा रहा हूँ ये राजा मुंडा से कोयडा तक जो रोड बनी है, आपको मैं ये रोड दिखा रहा हूँ किस तरह का ये रोड बनी है, कितनी बढ़िया ये रोड बनी है। आप वीडियो में कृपया बने रहे और आपको आप अगर इस तरफ से राजा मुंडा से कोयडा तरफ कोयडा की ओर अगर आप जाते हो तो आप देखिए ये कैसी रोड बनी है। फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं ये रोड जो बनी है ये NH कोयडा, ये जो रोड बनी है जैसे कि फ्रेंड आप देख सकते हो ये रोड बनी है जो कि आप देख लीजिए, मैं अभी लेफ्ट साइड में चल रहा हूँ और हमारे राइट साइड आप देख लीजिए इस तरफ भी दो लेन की सड़क है, राइट साइड और लेफ्ट साइड फ्रेंड दो लेन की सड़क है। जैसे कि आप ये देख लीजिए काफी बढ़िया ये रोड बनी है और अभी इस जगह पे फ्लाईओवर है फ्रेंड, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा। और ये फ्लाईओवर के आप अगर दाहिनी ओर चले जाते हो तो आप लोनीपरा मार्केट चले जाओगे और आप जैसे कि ये फ्लाईओवर पार करने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप रोड देखिए काफी सुंदर फ्रेंड बनी हुई है। तो फ्रेंड मैं आपको दिखा रहा हूँ ये NH देखिए काफी बढ़िया बनी है। फ्रेंड आपको मैं बता दूं आज NH जो हमारी भारतवर्ष में बन रही है पर डे 43 किलोमीटर बन रही है और ये इतना काम में तेजी आया 2014 के बाद, जब से पीएम नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए उसके बाद ये रास्ता का काम इतना स्पीड से चालू हुआ, रोड का काम जो कि आप देख सकते हैं। फ्रेंड मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ये गाड़ी को, मैं अभी अपना एक्टी में रखा हूँ और आप देख सकते हो काफी बढ़िया स्मूथनेस लग रही है गाड़ी चलाने में, आप स्मूथ ड्राइव कर सकते हो और इतनी बढ़िया फ्रेंड लग रही है गाड़ी चलाने में जो कि मैं आपको क्या बताऊं। अगर आप देखिए इस रोड पे अगर आप चलते हो बढ़िया रोड पे तो आपको पेट्रोल डीजल भी कम लगेगी और आप बढ़िया रोड में चलेंगे गाड़ी मेंटेनेंस भी कम मांगेगी आपकी। और ये सब इतने बढ़िया ये काम हुई है जो कि आप देख लो फ्रेंड, ये रोड इतनी बढ़िया ये रोड बनी है जो कि आप इसमें घंटों का सफ़र आप मिनटों में तय कर सकते हो। और जैसे कि मैं आपको बता दूँ मैं अभी करीबन लोनीपरा जो आपको फ्लाईओवर फ्रेंड दिखाया वहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर मैं आगे आ चुका हूँ जो कि आपको मैं कोयडा तक तो मैं नहीं जाऊँगा फ्रेंड, और आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि इनका मैं बता दूँ, मैं सुना हूँ ड्राइवर सबसे पता किया तो ये जो चूना घाटी इस रास्ते पे है फ्रेंड, वो चूना घाटी की चूना घाटी जो इस रास्ते में है फ्रेंड उस जगह पे क्या है 5-6 किलोमीटर रास्ता अभी खराब है, वो बनी नहीं है। नहीं तो बाकी आप अगर देखोगे तो ये राजा मुंडा से कोयडा तक रोड बन चुकी है और आप जैसे कि देख लो लेफ्ट साइड में फ्रेंड ये दो लेन की सड़क और ये राइट साइड में फ्रेंड देख लीजिए दो लेन की, टोटल हो गई ये 4 लेन रोड बन चुकी है। और जो कि हमारे परिवहन मंत्री हैं श्री नितिन गडकरी जी, और ये जब से परिवहन मंत्री बन इन्हें मिला है, परिवहन मंत्रालय मिला है, तो आप देख लीजिए रास्ता का काम तो काफ़ी स्पीड में हो रहा है फ्रेंड। और जैसे कि हमारे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी कहते हैं जो पैसे की कोई कमी नहीं है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट को ये बोलते हैं पैसे की कोई कमी नहीं है, आप जमीन मुहैया कराएं रास्ता मैं बना के आपको दूंगा। और इनका कहना है आप जमीन मुहैया आप कराओ और रास्ता मैं आपको अमेरिका जैसा सड़क बना के दूंगा। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं फ्रेंड ये रोड इतनी खराब थी
जो कि इसमें चलना भी मुश्किल हो रहा था, बाइक से भी इस रास्ते पे नहीं चल सकते थे। अगर कोयडा जो रहते हैं, अगर उन्हें कोयडा से राउरकेला मेडिकल जाना पड़ जाए फ्रेंड, तो काफ़ी मुश्किल उन्हें होती थी, जो कि राउरकेला कोयडा से राउरकेला जाने में 2 घंटा समय अभी लगेगी, और उस समय फ्रेंड वही समय 3-3.5 घंटा 4 घंटा भी लग जाती थी। सो फ्रेंड आपको जैसे बता दूं, ये रोड काफ़ी बढ़िया बनी हुई है, और आप हमारे वीडियो के माध्यम से आप अगर इस जगह के नहीं भी हो तो आप देख सकते हो ये रोड कोयडा से एक सेकेंड गाइज, मैं अपनी गाड़ी को डाइवर्सन थी इस तरफ लेने के बाद मैं आपको दिखा दूं फ्रेंड, ये लोनीपरा से मैं आपको फ्रेंड बता दूं, राजा मुंडा से जो ये रोड गई है कोयडा, और कोयडा से आगे बढ़ जाएगी बरबिल, और उधर जोड़ा में बरबिल बढ़ जाएगी, और भद्रा साई से जोड़ा जो रास्ता गई है उसमें भी ये रोड कनेक्ट हो जाएगी। तो ये सड़क का, जैसे कि फ्रेंड आपको बता दूं, ये सड़क का जाल बिछा हुआ है। इधर आप राजा मुंडा से कोयडा, कोयडा के बाद आप अगर आप जाते हो तो ग्वाली, ग्वाली होते हुए भद्रा साई, भद्रा साई से अगर आप लेफ्ट जाते हो तो आप निकल जाओगे बरबिल, और राइट अगर आप जाते हो भद्रा साई से तो आप फ्रेंड चले जाएंगे उधर केउंझर, केउंझर चले जाओगे, जोड़ा चले जाओगे, और वो रास्ता फिर आगे आपको झारखंड चाईबासा भी आप चले जाएंगे उस रास्ते पे। और जैसे कि फ्रेंड देख लीजिए, ये काफ़ी बढ़िया ये रास्ता इस जगह पे बनी है, और आपको जैसे बता दूं इस जगह में फ्रेंड रास्ते की काम चल रही है, रास्ता बनी है, जो कि आप अगर इस रोड में आते हो फ्रेंड तो आने के बाद आपको पता चलेगी ये रास्ता किस तरह की बनी है। और जैसे कि फ्रेंड आपको दिखा दूं, इस जगह पे ये लोनीपरा से आप 1.5 किलोमीटर अगर आप आगे आते हो तो इस जगह में फ्लाईओवर काम चल रही है। लेफ्ट साइड एंड राइट साइड देखिए, काफ़ी आपको हरियाली दिखेगी। तो फ्रेंड ये सारे जमीन में आप देख लीजिए धान लगी हुई है। फ्रेंड जैसे हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। फ्रेंड वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, और आप देख सकते हैं रोड के दोनों साइड इस तरह की पौधे लगाई गई है, जो कि पर्यावरण सुरक्षित रहे। और अभी फ्रेंड ये रोड आप देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया ये रोड बनी है, और जैसे कि आपको बता दूं 2014 के बाद फ्रेंड रोड बनने में हमारे देश में डेली पर डे 43 किलोमीटर रोड बनती है, जो कि 2014 के बाद काफ़ी वृद्धि आई है। और जैसे कि फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारे ठीक सामने ये एक एम्बुलेंस जा रही है, जैसे कि फ्रेंड आप देख सकते हैं अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, ये लोनीपरा के पास ये जो फ्लाईओवर बनी है ये 4 लाइन के ऊपर में, जो कि फ्रेंड आप देख सकते हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख लीजिए कितनी बढ़िया इस जगह पे लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। जैसे कि गाइस देख सकते हो ये राउरकेला की तरफ से ये 407 आ रही है, जो कि काफ़ी स्पीड में आ रही है ये रोड बनने के बाद, नहीं तो इस जगह में चींटी की तरह गाड़ी चलती थी।